किसान भाइयों, इस भाग में जानिए डेयरी से अधिक लाभ के लिए किस तरह का मॉडल विकसित करें, चारे की कमी को कैसे दूर करें, साथ ही सरकार से मिलने वाले अनुदान और नाबार्ड के साथ बैंकों द्वारा विकसित की गई मॉडलों की जानकारी भी आप प्राप्त करेंगे इस भाग में, जिसका नाम है दुग्ध उत्पादन के व्यवहारिक और आर्थिक पहलू। किसान भाइयों, दुग्ध उत्पादन और इससे जुड़ी हुई तमाम तथ्यों पर हम पिछले कई भागों से चर्चा करते आ रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं दुग्ध उत्पादन के व्यवहारिक और आर्थिक पहलुओं पर। जैसा कि सभी किसान भाई अवगत होंगे कि हमारे देश की कुल जनसंख्या में 87% लोग दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए हैं। उत्पादन की बात करें तो इसकी तुलना में काफी कम है, जिसका कारण हमारे विशेषज्ञ बताते हैं कि बहुत से किसान एक या दो पशु को पालकर दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं। अगर घरेलू खर्च काट दिया जाए तो बाजार में बहुत कम ही दुग्ध भेजा जाता है, जिस वजह से दूध का बाजार बिना प्रतिस्पर्धा का हो गया है, जिस कारण दूध का जो भी मूल्य मिलता है उसे बेचना पड़ता है। इसलिए इससे बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि कई ऐसे मॉडल हैं जिसे अपनाकर किसान भाई ज्यादा से ज्यादा दूध इकट्ठा कर बाजार में भेज सकते हैं। इसे विस्तार से बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। आप सभी जानते हैं कि बिहार के लगभग 87% कृषक ऐसे हैं जो दूध उत्पादन से जुड़े हैं, लेकिन उनके द्वारा उत्पादित दूध काफ़ी कम मात्रा में पैदा हो रही है। एक या दो जानवर के साथ वो दूध उत्पादन करते हैं और घरेलू खपत के बाद बहुत कम मात्रा में दूध बचता है जिसे कि वो बाज़ार में भेज पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती और उनको मार्केट में जो भी मूल्य मिलता है उस पर अपने उत्पाद को बेचना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि इसमें किसान लोग स्वयं सामने आएँ और कई ऐसे मॉडल्स हैं जिससे आप लोग स्वयं परिचित हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव का मॉडल है, सहकारिता का, या स्वयं सहायता समूह एक इसका अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसको अपना कर आप सभी किसान भाई अपने दूध को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक जगह इकट्ठा करके बाज़ार में भेज सकते हैं और इस तरह से आप अपनी शर्तों पर दूध का मूल्य ले सकते हैं। इसके और भी फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनपुट साइड में भी, जैसे कि फॉडर है, फीड है, कंसंट्रेट है, इन सबों को एक साथ बल्क में बहुत मात्रा में खरीदा जा सकता है और उससे इकोनॉमी ऑफ स्केल लिया जा सकता है, जिससे कि दूध उत्पादन की कीमत में काफ़ी कमी लाई जा सकती है और अंततः इससे आप ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। जैसा कि आपने जाना कि कई ऐसे मॉडल हैं जिससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग, जिसके तहत आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे फायदे की बात करें तो दूध की बिक्री के लिए आप निश्चिंत हो जाते हैं। इसके अलावा आपको दूध की अच्छी कीमत भी मिलती है। साथ ही कई ऐसी जानकारियां हैं जो कॉन्ट्रैक्टर आपको उपलब्ध भी कराते हैं। ये भी जरूरी है कि कई ऐसे नए मॉडल्स इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल है जो दूध के क्षेत्र में काफ़ी आ रहा है। पंजाब में नेस्ले है और कई ऐसे जगहों पर इसको आजमाया जा रहा है और ये काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो रहा है। फ़ायदा यह होता है कि किसानों को एक एश्योर्ड मार्केट मिल जाता है और जो फार्म्स हैं जिनके साथ आपका एग्रीमेंट होता है वो आपको जानकारियाँ, इनपुट्स वगैरह भी कम कीमत पर आपको उपलब्ध कराते हैं और वो बेहतर गुणवत्ता वाले होते हैं, जिससे कि आपका के दूध की अच्छी कीमत आपको मिल पाती है आपके उत्पादों की। जैसा कि आप ये जानते हैं कि जो दूध है वो काफ़ी जल्दी ख़राब होने वाली वस्तु है और इसीलिए यह ज़रूरी है कि आपके फार्म स्तर पर भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ की जाएँ ताकि उनको आप सेमी प्रोसेस करके, खोआ बनाकर, छेना निकाल कर और उसको आप फिर मार्केट में भेज सकते हैं, जिससे कि उसको काफ़ी समय तक रखा भी जा सकता है और उससे अच्छी कीमत भी ली जा सकती है। लेकिन इन सबों के लिए शर्त यह है कि पहले हम दूध की मात्रा को, जो मार्केटेबल सरप्लस है, उसको बढ़ाएं और इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि इसमें कलेक्टिव और कोऑपरेटिव अप्रोच हो। इसमें स्वयं सहायता समूह बनाना एक बेहतर और कारगर हथियार सिद्ध हो सकता है।
इसके अलावे किसान भाई और भी फायदे ले सकते हैं, जैसे जहां चारे की कमी हो वहां चारा व्यवसाय कर किसान भाई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाढ़ और सुखाड़ की समस्या बनी रहती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ऐसी समस्याएं नहीं है। जहां बाढ़ और सुखाड़ है वहां निश्चित तौर पर चारे की कमी होगी। तो किसान भाई, आप वहां चारा का व्यवसाय कर डेयरी के साथ साथ खुद के लिए लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि चारा ज्यादा क्षेत्रफल में आने वाला सामान है जिसे अधिक संख्या में लाना ले जाना संभव नहीं है, तो ऐसे में आप चारा ईंट बनाकर उसे आयात निर्यात कर सकते हैं। दूध उत्पादन से जुड़े और भी कई ऐसे आयाम हैं जिसका कि लाभ किसान भाई ले सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार में फॉडर काफ़ी डेफिसिट है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि सूखे चारे या हरे चारों की काफ़ी कमी है, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि इनका बहुतायात है। प्रायः जो गेहूं उत्पादन वाले क्षेत्र हैं या धान उत्पादन वाले जहाँ पर कि सिंचाई है, वहाँ पर सूखा चारा बहुत मात्रा में उपलब्ध है, और दूसरी ओर वो क्षेत्र जहाँ पर कि सुखाड़ हो जाती है या बाढ़ आती है वहाँ पर चारे की कमी प्रायः प्रतिवर्ष होती है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि हमारे किसान भाई इसको व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं, और जहाँ पर चारा बहुतायात में है वहाँ से लाकर दूसरे क्षेत्रों में उसको बेचकर अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं, और इससे डेयरी का भी व्यवसाय और विकास हो सकता है, और ये हो भी रहा है। ऐसा हमने अभी एक अध्ययन किया था और हमने पाया है कि चारे का व्यवसाय बिहार में काफ़ी फल फूल रहा है। कुछ समस्याएं हैं जैसे कि चारा बल्की होता है और उसको कंप्रेस करके, उसको संकुचित करके, उसका ब्रिक बना करके या जो और भी आधुनिक तकनीकी इसमें उपलब्ध है उसको अपना करके इसको स्टोर किया जा सकता है फॉडर बैंक के रूप में, फीड बैंक के रूप में, जिससे कि आपदा के समय में किसान भाई उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये व्यवसाय भी एक काफ़ी अच्छा व्यवसाय हो सकता है अगर इसको किसान भाई अपनाएं। तो आप सभी जानते हैं कि हरा चारा में हमारे यहाँ बहुत विकास की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि खाद्यान्न की कमी भी हो रही है और हमें दोनों को देखना है। इसीलिए जो हमारा सूखा चारा है उसमें ही वैल्यू एडिशन करने की बात की जाए, उसको एनरिच किया जाए ताकि किसान उसका फ़ायदा ले सकें, और ये एक बहुत अच्छे व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। इसके अलावा एक खास बात है जिससे किसान भाई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जिन किसान भाई के पास 2 या 3 पशु ही हैं और वे सक्षम नहीं हैं कि ज्यादा पशु खरीद सकें, उनके लिए नाबार्ड या कई ऐसे बैंक हैं या ऐसे संगठन हैं जिनके पास 5 या 10 गाय या भैंसों के लिए मॉडल है, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए सरकार अनुदान भी दे रही है जिससे फायदा भी लिया जा सकता है। हमारे जो किसान हैं वो 1, 2 या 3 पशु रखते हैं और उससे दूध लेते हैं जिससे कि उनको समुचित लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे कई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं, नाबार्ड है, जिनके पास इनके मॉडल्स हैं और वो 5 या 10 गाय का मॉडल उन्होंने विकसित कर रखा जिस पर कि सरकार सब्सिडी भी दे रही है। और अगर किसान भाई बैंकों को अप्रोच करें, एक अच्छा मॉडल डेवलप करें, तो वो इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। नट सेल में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत आवश्यक है कि सरकार या किसान आपस में एक कोऑर्डिनेशन के साथ डेयरी का वो मॉडल विकसित करें जो कि लाभकारी हो और जिसमें कि हम दूध के उत्पादन को ही ना बढ़ा सकें, किसानों के की जीविका को और उनके अर्थोपार्जन को भी हम बढ़ावा दे सकें। और ये तभी हो पाएगा जबकि हम जो सब्सिस्टेंस हमारी फार्मिंग है उसको छोड़ करके हम इसको कमर्शियल बनाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए कई ऐसे मॉडल्स हैं जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, उसको हम आजमा कर लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर बताए गए इन बातों को गौर करें तो डेयरी के साथ साथ आपकी जीविका भी सुधरेगी, साथ ही जहां चारे की कमी है वहां चारा की समस्या भी नहीं आएगी।